वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपका शुरू हो गया है 5 तारीख से। तो आज एसएससी की जो है 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, और जैसा कि एनालाइज में देखा गया है वेरियस वेबसाइट्स के ऊपर, और हमने जो एनालाइज किया है कि आपके इकोलॉजी सेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चंस जो है आपके सीजीएल टायर 1 में पूछे जा रहे हैं। तो आज जो एग्ज़ाम हुआ है सुबह का, उसमें तो 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एसएससी सीजीएल में इकोलॉजी से रिलेटेड। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, प्लीज़ इन्हें जरूर रिवाइज़ कर लीजिए आप, ताकि यदि आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का, तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक्स कीजिए, ताकि हम इस वीडियो के पीडीएफ और जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करवा सकें। पहला क्वेश्चन है, इन विच इकोसिस्टम ग्रास लैंड इज इंक्लूडेड। ग्रास लैंड जो होते हैं वो कौन से इकोसिस्टम में आते हैं? देखिए, ग्रास लैंड जो होते हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत कीजिएगा, जितनी छोटी से छोटी वीडियो होगी आपको उतना ही समय कम लूंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैव बीन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ अवर वाटर रिसोर्सेज। तो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारा जो है वाटर पोल्यूशन होता है? जो मेन कारण है वो आपको बताने हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ लाइव स्टॉक मैन्योर। देखिए, ग्रीन खाद का यूज़ करने से कोई वाटर पोल्यूशन आपका नहीं होता। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, यस, यदि आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हो तो वाटर पॉल्यूशन होता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये भी करेक्ट है, ये भी फॉलो करता है इस स्टेटमेंट को। डिफॉरेस्ट्रेशन, पेड़ पौधे काटना, इससे कोई आपका जो है वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। तो ऑप्शन 2 और 3 ये हैं आपके इसके राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ही होगा इसका ठीक आंसर, 2 एंड 3। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। देखिए, आपसे ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, दूसरा पूछा जाता है आपका वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर। सो जो एयर इंडिकेटर, एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर है वो है लिचेंस, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जो एयर में प्रोड्यूस होती है, प्रेजेंट होती है सल्फर डाइऑक्साइड उसमें, उसके लिए, तो इसीलिए लिचेंस होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग। इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग बेसिकली आपका एक मेथड होता है, जिसमें जितने भी प्रैक्टिकल ऑपरेशंस होते हैं वो आपके स्टडी किए जाते हैं सारे के सारे। तो ऑप्शन एक बार हम पढ़ लेते हैं, पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्कीम्स, स्क्रूटनी बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, सेफ्टी प्रोविजंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। तो यहाँ पे जो आपका इसका ऑप्शन है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग का, तो वो है स्क्रूटनी बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, ऑप्शन बी। ये एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो पल्यूशन नहीं फैलाता? यदि हम पेट्रोल को जलाएंगे, ऑप्शन बी है, सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे, रबड़ को जलाएंगे। तो भाई, सोलर एनर्जी का यूज़ करोगे तो पल्यूशन नहीं होगा, ऑप्शन बी है राइट आंसर। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? चेकिंग एटॉमिक ब्लास्ट, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये सारे के सारे मेथड हैं, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी क्योर्ड बाय। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड की चपेट में आने से सफोकेशन होने लगती है, जो हीमोग्लोबिन की कैरी क्षमता होती है, उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की, वो कम होने लगती है। तो इसलिए यदि हम उस व्यक्ति को अच्छी ऑक्सीजन में, फ्रेश ऑक्सीजन में लेकर जाते हैं तो उसको क्योर किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, एक्सपोजिंग द इफेक्टेड पर्सन टू फ्रेश ऑक्सीजन। द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट इन इंडिया आर। देखिए, ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2012 में आपका, उस समय जो इसका आंसर था 15, लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं बता देता हूँ आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड हैज़ बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफिलेंट। मैंने आपको बताया था एयर पोल्यूशन का आंसर क्या था आपका, लिचेंस, LICHENS, और वाटर पोल्यूशन का है आपका वाटर हेसिंथ, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजली बी कन्वर्टेड इंटू यूजफुल सब्सटांस विद द हेल्प ऑफ। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होती है आपकी,
वह यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट होती है। कौन कन्वर्ट करता है उसको? जो डिकम्पोजर होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वही करते हैं। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग विंटर सीजन डोरमेंसी पीरियड ऑफ एनिमल इज कॉल्ड। तो विंटर सीजन में आपको पता है कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने घर के अंदर, अपनी गुफाओं के अंदर रेस्ट करते हैं, जो उनका बॉडी फैट होता है उन पर ही वह जीवित रहते हैं, या फिर कुछ एनिमल होते हैं जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखते हैं विंटर सीजन के लिए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइबरनेशन। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ग्रेटर पॉपुलेशन कैन बी सपोर्टेड ऑन द अर्थ ओनली इफ वी ईट मोर। इसका मतलब है कि अर्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हो सकती है यदि हम क्या करें, मटन खाएं, एग्स खाएं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाएं या फिर बीफ खाएं। भाई यदि हम जितना ज़्यादा प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे उतने ज़्यादा जो है लोग वेजिटेरियन होंगे, तो जो एनिमल्स को हम मार के खाते हैं वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। स्टोन कैंसर्स अक्कर ड्यू टू, स्टोन कैंसर्स बेसिकली किसकी वजह से होता है? देखिए जो स्टोन कैंसर होता है वो होता है आपका एसिड रेन की वजह से। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, निम्नलिखित में से किसको आप जो है समय के साथ जो है डिग्रेड हो जाती है? तो वो है आपका पेपर, क्योंकि वो लकड़ी से बनता है। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, पेपर। कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, कैडमियम पॉल्यूशन से कौन सी बीमारी हो जाती है? मैंने आपको जो है वीडियो बना कर दे रखा है सभी बैक्टीरियल्स और जितनी भी डिसीज हैं उसके ऊपर, वो भी आप जरूर देखिए, उसमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो इतई डिसीज जिसे कैडमियम पॉइजनिंग भी बोला जाता है, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। इन अ फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज बाय प्लांट्स इज ओनली, तो फूड चेन के अंदर जो सोलर एनर्जी होती है वो प्लांट्स के द्वारा कितने परसेंट है जो टोटल एब्जॉर्ब की जाती है, जो टोटल सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है आपकी वो है 1%, 1%। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। IUCN कैटेगराइज्ड मेजर थ्रेटेंड स्पीशीज अंडर, जो IUCN है वो जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर स्पीशीज होती हैं उनको कौन सी क्लास में रखता है, 7, 5, 6 या 4? उनको रखता है वो 4 क्लास में। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, द ऑप्टिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन मिलीग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मीन्स जितने भी आपके जलीय जीव होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए ऑप्टिमम लेवल कितना होना चाहिए पानी के अंदर ऑक्सीजन का, तो वो होना चाहिए आपका 4 से लेके 6 मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फूड चेन इन्वॉल्विंग अ प्रोड्यूसर, अ वेजिटेरियन एंड अ नॉन वेजिटेरियन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें एक चेन दी गई है, आपको बताना है कि इस चेन में एक प्रोड्यूसर है, एक वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है। अब तो ऑप्शन यदि आप देखोगे, बी प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, रैबिट क्या है, एक वेजिटेरियन है, और टाइगर क्या है आपका, एक नॉन वेजिटेरियन है। तो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज डील्स विद द इंट्रैक्शंस ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस ये डेफिनेशन है आपकी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, किसके, इकोलॉजी की। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स किल्ड फॉर इट्स ब्यूटिफुल स्किन हैज बीन डिक्लेयर्ड एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो कौन सा सांप है इसमें जो उसके ज्यादा से ज्यादा जो है उसका शिकार किया जाता है उसकी ब्यूटिफुल स्किन के लिए? तो वो है आपका रसल वाइपर। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सहेल इज अबाउट, जो हम सांस लेते वक्त गैस छोड़ते हैं, ठीक है, हवा छोड़ते हैं, उसमें कितने प्रतिशत जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट होता है? तो मैंने आपको ये प्रश्न बता रखा है मेरी पहली वीडियो में। तो ऑप्शन 4 है, ए है इसका राइट आंसर, 4%, 4% जो हम गैस, सॉरी जो हवा हम छोड़ते हैं
सांस लेने के बाद उसमें जो कंटेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है 4%। डायनासोर्स वर्ल्ड, डायनासोर्स क्या थे? डायनासोर्स रेप्टाइल्स थे जो अब क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट खत्म हो चुके हैं। ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है आपका, द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स इज कॉल्ड, तो जो आपके जानवर एक्सटिंक्ट खत्म हो चुके हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, मींस जो फॉसिल होती हैं उनका अध्ययन अध्ययन क्या कहलाता है, उनका अध्ययन कहलाता है आपका पैलियोन्टोलॉजी। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज सच एज नाइट्रस ऑक्साइड एंड मिथेन, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ता है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मिथेन हो गया, तो वो है आपका बैक्टीरिया। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। आपको पता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, सो जो मान लीजिए अब कोई पेड़ है, पौधा है, अगर वो डिकम्पोज होगा तो वो क्या, कौन सी गैस को छोड़ेगा, मिथेन को, ठीक है। जैसे पैडी फील्ड के अंदर जो है आपकी मिथेन गैस जो है इन्वायरमेंट में मिलती है। नेक्स्ट है आपका, चॉकलेट्स कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज ऑफ अ हाई कंटेंट ऑफ, चॉकलेट्स के अंदर जो है यदि हाई कंटेंट लीड का होगा तो आपकी जो है सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होगी, तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी लीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो वो है आपकी वूल। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, वूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी, निम्नलिखित में से कौन सा इंडिकेटर है जो किसी कम्युनिटी की हेल्थ को दर्शाता है, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा इसका राइट आंसर, सही उत्तर। कि मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक साल का जो उसका साइकिल होता है पूरा, जब तक वो एक साल का नहीं हो जाता, तो उस समय के दौरान कितने ऐसे बच्चे मरते हैं पर 1000 पर, उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। द एनिमल विच हैज़ बीन बिकेम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया हैपन्स टू बी, SSC 2001 में क्वेश्चन आया था, तो जो एशिया के चीता है, चीता वो एनिमल जो है एक्सटिंक्ट खत्म हो चुका है। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। वाई डज फिश डाइज इन समर सीजन एज कंपेयर टू विंटर सीजन, इट इज बिकॉज ऑफ, क्यों मछलियां होती हैं जो गर्मियों में मर जाती हैं एज कंपेयर टू विंटर, ऐसा क्यों? आपको पता है ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो जो ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है आपका, न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड इन द एटमोसफेयर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेफर्ड टू एज, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिसाइकल किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजर। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है आपका, द ग्रीन मैन्योर इज ऑब्टेन फ्रॉम, हरी खाद कहाँ से मिलती है, तो हरी खाद आपकी ऑब्टेन होती है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके डिकम्पोज होने से, तो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर, सही आंसर, डिकम्पोजिंग ग्रीन लेग्यूम प्लांट्स। द मेथड विच इज नॉट यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल, निम्नलिखित में से कौन सा मेथड है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में नहीं यूज होता, यूज ऑफ प्रेडेटर्स ऑफ अ पेस्ट, फिरोमोन ट्रैप्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ ग्रीन एक्सट्रैक्ट्स। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर जो आपका मेथड है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स नहीं होता, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है आपका, मशरूम कल्टीवेशन इज नॉट यूजफुल इन, मशरूम कल्टीवेशन कौन सी यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं के लिए यूजफुल नहीं है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिसीज, ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिसीज।
अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम थ्रो। एक ही प्रकार के, एक ही तरह के आप कई सारे प्लांट्स एक ही समय में जो है उगा सकते हैं। तो इस टाइप की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है आपका टिश्यू कल्चर टेक्निक। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर, टिश्यू कल्चर टेक्निक। बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है आपका, जो बीटी सीड आपके रिलेट करते हैं कॉटन से। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड, फील्ड क्रॉप्स की स्टडी को कहा जाता है एग्रोनॉमी। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर, एग्रोनॉमी। सेलेक्ट द बायोफर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग, कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, कैटल डंग, अलगई एंड ब्लू ग्रीन अलगई। सो जो आपका यहाँ पर बायोफर्टिलाइजर है वो है ऑप्शन डी, अलगई एंड ब्लू ग्रीन अलगई। ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का डेफिनेशन आपसे यहां पर पूछी गई है। तो इसकी डेफिनेशन है साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम। सो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर फाउंड टू बी बेटर देन केमिकल फर्टिलाइजर, बिकॉज जो नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों भाई, ज़्यादा यदि आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हो तो आपको पता है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो हाई होती है, तो वो क्या हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है किसी भी पेड़ पौधे के लिए, फसल के लिए। बल्कि जो नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं वो मिनिमम अमाउंट, मतलब कि सही अमाउंट में जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं पेड़ पौधों को, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर होगा आपका, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सस्टेन सॉयल प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। द मेडिकल प्लांट यूज्ड इन प्रिपरेशन फॉर स्किन केयर, कौन सा मेडिकल प्लांट जो है स्किन केयर के लिए यूज किया जाता है आपका, आजकल आप टीवी में ऐड देख रहे होंगे एलोवेरा की, एलोवेरा जेल, एलोवेरा फेस वॉश। तो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर, एलोवेरा। सिंकोना होता है जिसके पेड़ से, छाल से जो है आपकी दवाई बनती है मलेरिया की। ऑप्शन इसका भी क्वेश्चन एक बार आपकी एसएससी में पूछा गया है। तो नेक्स्ट है आपका, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज, तो इसे बोला जाता है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर, एक से ज़्यादा फसल उगाना भूमि के ऊपर एक साल के अंदर, उसे क्या बोला जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होंगे, बैक्टीरिया होंगे जो क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, इसे बोला जाता है आपका फर्मेंटेशन। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है आपका, बायोडीजल मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय यूफोरबेशियस। ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर। द एंजाइम्स दैट कोएगुलेट्स मिल्क इनटू कर्ड, जो दूध को दही में जमाता है, कौन सा एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम बताइए, वो है आपका रेनिन। ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। फ्रॉम द बार्क ऑफ विच प्लांट्स इज क्यूनाइन एक्सट्रैक्टेड, क्यूनाइन किसके लिए यूज होता है, मलेरिया की दवाई है, ये कौन से पेड़ की छाल से जो है बनाई जाती है, तो मैंने अभी आपको बताया था सिंकोना। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। च्युइंगम इज मेड फ्रॉम, च्युइंगम किससे बनती है, च्युइंगम बनती है लेटेक्स से, लेटेक्स। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। Which one of the following animals is called farmer's friend, निम्नलिखित में से कौन से एनिमल को किसान का मित्र कहा जाता है, तो वो है आपका अर्थवर्म। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। द एंजाइम इन हूज प्रेजेंस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज, तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है, तो वो है आपका जाइमेज। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर।
सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसे है भाई, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। द एंजाइम इन हूज प्रेजेंस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। सो ग्लूकोज काट के यहां पे अल्कोहल कर लीजिए आप, तो इसका उत्तर है आपका जाइमेस। बटर इज, बटर क्या है? बटर आपका एक वाटर इन ऑयल इमल्शन है। नेक्स्ट है आपका फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय, तो इसका आंसर है आपका एंजाइम्स, ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का अल्कोहल में बदलना एंजाइम की सहायता से, ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। बोन इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, जो हड्डियां होती हैं उनको हम फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा उनमें क्या प्रेजेंट होता है? तो उनके अंदर प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस, और आपको पता है ये फॉस्फोरस क्या होता है, प्लांट के लिए एक न्यूट्रेंट का काम करता है। नेक्स्ट है आपका बेकर्स यूज यीस्ट इन ब्रेड मेकिंग बिकॉज, ब्रेड के लिए जो है यीस्ट का यूज़ किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ब्रेड को ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए, इसीलिए ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, मेक्स द ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, ये देखिए दो से तीन क्वेश्चन आ चुके हैं आपके बायोडिग्रेडेबल से रिलेटेड, तो निम्नलिखित में से कौन सा है? सिल्वर फॉयल, आयरन नेल्स, प्लास्टिक मग्स, लेदर बेल्ट। तो लेदर बेल्ट है आपकी जो बायोडिग्रेडेबल है। द कोटिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट विद इम्परवियस मटीरियल इज नोन एज, सॉलिड वेस्ट की कोटिंग की जाती है इम्परवियस मटीरियल से, उसे बोला जाता है आपका इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। यहां पे आएगा सी। द रैपिडली ग्रोइंग मास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कवरिंग द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ अ लेक और अ पॉन्ड इज नॉन एज, इसे बोला जाता है आपका यूट्रोफिकेशन। माफ करना, ज़्यादा मैं आपको ना तो जो है पिक्चर्स दिखा के एक्सप्लेनेशन दे पा रहा हूँ, और ज़्यादा ना आपको डीप में एक्सप्लेनेशन दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, आपका एग्जाम चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका द मेन पॉलिटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो मेन जो पॉलिटेंट था वो था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू, नेचुरल इन्वायरमेंट्स की डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और फैक्टर्स इन एन एरिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, तो यह आपका नेचुरल इन्वायरमेंट, ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर, सही आंसर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इकोलॉजी के, तो आई होप आपको इसमें से जो आपका अगर मान लीजिए आने वाला एग्जाम है एसएससी का, तो मैं आशा करूंगा कि आपको इसके अंदर से जो है इकोलॉजी के क्वेश्चन मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो के अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।